हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी, बिकॉज अब समय नहीं है, एग्जाम की डेट्स पास आते जा रही हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू स्कोर 45 प्लस इन इंग्लिश। इंग्लिश में कैसे आप 45 प्लस स्कोर कर सकते हैं। 45 प्लस स्कोर करना ना उतना भी इजी नहीं है और ज़्यादा टफ भी नहीं है। इफ़ यू हैव डिसाइडेड कि हाँ आपके 45 प्लस लाना है तो आप ला भी सकते हो। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी टिप्स एंड स्ट्रैटेजी। 45 प्लस लाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप डेली मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, और अगर आपने नहीं शुरू किया है मॉक टेस्ट देना तो अभी से शुरू हो जाइए, लैपटॉप उठाइए और मॉक टेस्ट दीजिए। तो सबसे पहला काम हमें 45 प्लस स्कोर करना है उसके लिए है डेली मॉक टेस्ट। आप डेली मॉक टेस्ट दीजिए। ऑनलाइन तैयारी के अल्टीमेट पैकेज है टीयर वन के, आप वहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं। बहुत ही अच्छे मॉक टेस्ट है, लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है और प्रीवियस ईयर एनालिसिस पे बेस्ड है ये मॉक टेस्ट। आप डेली ये मॉक टेस्ट दीजिए। एक बार देने के बाद आप उस मॉक टेस्ट को बार बार भी दे सकते हो। सबसे ज़रूरी काम है हमें मॉक टेस्ट देना। क्यों मॉक टेस्ट ज़रूरी है देना हर दिन? क्योंकि मॉक टेस्ट देने से क्या होता है कि जो भी आपने सब्जेक्ट में पढ़ा है या फिर इंग्लिश में जो भी आपने रूल्स पढ़े हैं, वो मॉक टेस्ट देने से आपका क्या होता है, उन रूल्स का रिविजन हो जाता है। तो हमें रूल्स का रिविजन हो जाता है। उसके बाद जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो ज़्यादातर इन मॉक टेस्ट में क्या होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए होते हैं वो होते हैं, या फिर कोई नए क्वेश्चंस जिनको प्रोबेबिलिटी है आने के लिए, तो वो क्वेश्चंस हमें मिलता है। तो हमें इससे क्या होता है कि प्रीवियस ईयर का एक एनालिसिस हो जाता है कि इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो इस साल भी इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि जब आप पेपर देते हो तो जो अगर रिपीटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं या आपने कहीं पहले वो सॉल्व किया होगा किसी और मॉक में और इस मॉक में भी एक क्वेश्चन मिल गया आपको, तो इससे क्या होता है कि कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है। हो सकता है आपने उस क्वेश्चन को किसी पेपर में गलत किया हो, लेकिन जब आप आज पेपर देने बैठे हो और वो क्वेश्चन सही हो गया हो तो एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आता है कि येस यू हैव लर्न समथिंग, आपने कुछ सीखा है टेस्ट देने से। और ट्रस्ट में जब गलतियां होती हैं टेस्ट में और दोबारा वो क्वेश्चन हमें दिखता है किसी और टेस्ट में, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल यहां तक पहुंच जाता है। तो मॉक टेस्ट देने से कभी कभी डिसहार्टन भी हो जाते हैं, जब कम नंबर आता है तो आपका मोराल पूरा डाउन हो जाता है। बट स्टूडेंट, इससे आप बिल्कुल भी अफ्रेड मत होना, क्योंकि जब आपके किसी एक मॉक में अच्छे मार्क्स नहीं आए हो तो बैक टू बैक कोई इजी पेपर उठा लो, ठीक है, कोई इजी मॉक दे दो, उससे आपका मोराल बना रहेगा। तो इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल आता है। फिर जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो इसका चौथा फायदा क्या है कि जो भी रूल्स आपने याद किए हैं और भूल गए हो, या रिविजन तो होता ही होता है, प्लस वो रूल आपको याद भी हो जाते हैं मॉक टेस्ट के थ्रू। और जितने भी अगर नए वन वर्ड आए हो या पुराने ही वन वर्ड आए हो या सिनोनिम्स आए हो एंटोनिम्स आए हो, वो भी आपको याद हो जाते हैं। तो मॉक टेस्ट देने के आप देख सकते हो कितने ज़्यादा फायदे हैं। अब जो चीज़ आपको पढ़ने से याद नहीं हो रही है, वो चीज़ आपको मॉक टेस्ट देने से याद हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करें कि आप पेपर कैसे किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो जब भी आप पेपर देने बैठे, सबसे पहले आप जनरल अवेयरनेस का सेक्शन उठाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप जनरल अवेयरनेस अटेम्प्ट करेंगे। इसको आप 4 to 5 मिनट में इसको आपको निपटाना है, फिनिश इट इन 4 to 5 मिनट, उससे ज़्यादा समय नहीं देना है। उसके बाद आप उठाएंगे इंग्लिश का, अब फिर आप उठाएंगे इंग्लिश के पेपर का, और इंग्लिश के पेपर को ट्राई करो आप कि 6 to 8 मिनट्स में इंग्लिश खत्म कर ले। एंड ट्रस्ट मी, 6 to 8 मिनट्स में आप खत्म कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हमारा जो सेक्शन डिवाइडेड है, जो सिलेबस है हमारा इंग्लिश का, J
जो हमारा सिलेबस है इंग्लिश का, तो सबसे पहले आप पेपर में, जब भी हम इंग्लिश का पेपर सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले आपको कौन सा उठाना है? सबसे पहले आप करोगे स्पेलिंग चेक, उसके बाद आप करेंगे एक्टिव पैसिव, उसके बाद आप करेंगे नरेशन। अगर आपको इंग्लिश में कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, उन्हें बनाना है, तो सबसे पहले आप स्पेलिंग चेक वाला क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन। उसके बाद आप एक्टिव पैसिव से, सॉरी, इससे आते हैं दो क्वेश्चन, फिर एक्टिव पैसिव से करेंगे, ये आएगा आपका एक क्वेश्चन, नरेशन से आएगा एक क्वेश्चन। और इन तीनों का लेवल जो होता है वो इजी लेवल का होता है। ये दोनों तो बहुत ही इजी, बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं, और स्पेलिंग चेक भी उतना कोई टफ नहीं होता, वो इजी लेवल का ही होता है। तो यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन हो गए, यानी कि यहाँ से आपको लेने हैं 8 मार्क्स, 8 मार्क्स आपको यहाँ से लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है क्लोज टेस्ट या फिर आरसी, जो भी आपके पेपर में आ रहा हो, या तो क्लोज टेस्ट या आरसी, इसके आपको मिलेंगे 5 क्वेश्चन आएंगे। इजी लेवल का होगा स्टूडेंट्स, टीयर 1 में क्लोज टेस्ट भी और आरसी, ये दोनों ही इजी लेवल के होते हैं। आरसी में आरसी में क्या आपको करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, कि जो कीवर्ड्स, पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, कैसे अटेम्प्ट करेंगे, पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर वहां से आप कीवर्ड ढूंढ लेंगे उस क्वेश्चन में कि क्या पूछा जा रहा है, वो कीवर्ड आप पूरे पैसेज में फिर पढ़ के आप फाइंड आउट करेंगे उस कीवर्ड को। तो जैसे ही वो आपको कीवर्ड मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आरसी का ये फंडा है। और क्लोज टेस्ट में क्या है, क्लोज टेस्ट जो है वो बेसिकली वोकैब के ऊपर बेस्ड है। तो वोकैब, अगर आपने साइनो एंटो वन वर्ड या idiom phrases ढंग से कर रखा है, तो ट्रस्ट मी क्लोज टेस्ट बिल्कुल भी टफ नहीं है आपके लिए, और ये टफ आता भी नहीं है। बड़े ही इजी वाले कंफ्यूज वर्ड दिए जाते हैं, उससे आपका ये सारा फिल हो जाएगा। तो यहां से आपको 10 मार्क्स लाने हैं, कोई भी स्किप नहीं करना, आपको 10 मार्क्स यहां से लाने हैं। उसके बाद आप अटेम्प्ट करेंगे वोकैब पार्ट, idioms and phrases प्लस 1 वर्ड। 2 क्वेश्चन यहां से आएंगे, 2 क्वेश्चन यहां से आएंगे, यानी कि 4 क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता है कि idiom phrases और 1 वर्ड कोई भी छोड़ सकता है, क्योंकि अगर आपको नहीं भी आता है 1 वर्ड, तो कुछ ना कुछ तो हिंट आपको क्वेश्चन में मिल ही जाता है, और idiom phrases दोनों में। मैंने आपको इनके लिए एक बुक बताई थी, MB पब्लिकेशन की एक बुक बताई थी मैंने, MB पब्लिकेशन के फ्रंट में ही idiom phrases और 1 वर्ड बहुत सारे दे रखे हैं। अगर आप वहां से कर लेते हैं, तो आपको और भी कोई बुक या और कुछ भी रेफर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से, इस बुक से बहुत सारे वर्ड आपको यही यूं ही कवर हो जाएंगे। और जब आप MB पब्लिकेशन से 1 वर्ड या idiom phrases पढ़ोगे, तो उनमें से कुछ वर्ड आपके synonyms, antonyms कहीं पे भी आ सकते हैं। मतलब अगर आप वर्ड याद करोगे, तो एक वर्ड का हिंट आपको कहीं और मिल जाएगा, ठीक है। यहां से आप, यहाँ पे आपके 8 मार्क्स लाने हैं। उसके बाद हम बात करेंगे साइनो और एंटो की। साइनो एंटो के लिए मैंने बोला था आपको कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक ले लीजिए, और वहां से आप साइनो एंटो याद करो। तो मैंने तरीका भी बताया था कि SSC क्या करती है, एक वर्ड अगर इस साल दिया है, तो उसी वर्ड का सिनोनिम मे बी वो नेक्स्ट ईयर के पेपर में दे दे। तो अगर साइनो एंटो में अगर आपका लक अच्छा है, प्रीवियस ईयर के पेपर आते हैं, तो 4 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो हो सकता है आपको 3 क्वेश्चन आता हो या 2 क्वेश्चन आता हो। अगर हम वर्स्ट केस में भी मान लें कि आपकी किस्मत बुरी है, तो कम से कम 2 क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो यहाँ से। तो यहाँ से आपको 4 मार्क्स लेने हैं, उसके बाद आप करेंगे एरर करेक्शन, फिलर्स
एंड सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। इसके बाद आपको ये तीनों अटेम्प्ट करने हैं। ये तीन मिलाकर के आपको 6 क्वेश्चन आता है। दो दो क्वेश्चन हर जगह से होंगे, इनको मिला के आपको 6 क्वेश्चन आएगा। और 6 क्वेश्चंस पे आप मानो ना मानो एरर और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में हो सकता है आपको, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में भी, एरर में नहीं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में हो सकता है आपको एक क्वेश्चन ना आता हो, तो कम से कम आप यहाँ पे एक क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं। बट एरर और फिलर्स में मुझे नहीं लगता है कि इतना टफ पेपर आएगा जिसको आपको स्किप करना चाहिए। और एरर के लिए मैंने एक फंडा बताया था कि जैसे कोई सेंटेंस दे रखा हो, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी में होता है हमारा नो एरर, तो हमें क्या करना है, हर एक पार्ट को एनालाइज करना है। यहाँ पे अगर सब्जेक्ट है तो इस सब्जेक्ट से क्या वर्ब है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या रिलेशन है, हमें हर एक पार्ट को चेक करना है। पहले मैं ए पार्ट को चेक करूंगी, अगर यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है उससे मैं देखूंगी कि क्या जो आगे वर्ब यूज हुआ है वो सिंगुलर है या नहीं, क्या ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं। इस तरीके से मैं हर पार्ट को चेक करूंगी। ट्रस्ट मी, ऐसा करने पे आपके जो भी एरर है वो बहुत ही कम हो जाएगी और आपका एरर यू निकलेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। तो यहाँ से 6 नहीं, कम से कम आप 5 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही सकते हैं, यानी कि यहाँ से आपके आ गए 10 मार्क्स, ठीक है। यहाँ से आपके आपके आपको लेने हैं 10 मार्क्स। उसके बाद आपको एंड में अटेम्प्ट करना है PQRS। उसके बाद एंड में क्या अटेम्प्ट करना है, PQRS। PQRS से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये इजी टू मॉडरेट लेवल के होते हैं। तो PQRS का क्या ट्रिक है कि अगर आपने कोई PQRS में एक सेंटेंस पढ़ा है तो उस सेंटेंस का आप सब्जेक्ट ढूंढिए। अब सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद प्रोनाउन आएगा, तो उस जो PQRS के जो 4 सेंटेंस होंगे, हो सकता है कि किसी एक सेंटेंस में ही और शी यूज़ किया हो, किसी एक सेंटेंस में उस ही और शी के आए हुए नाउन यूज़ किए गए हो, तो ऑब्वियस ही बात है पहले नाउन आएगा फिर प्रोनाउन आएगा। तो इस तरीके से हम PQRS कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको मिलेंगे लेने हैं 4 मार्क्स। तो टोटल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे टोटल मुझे मिल रहा है 44 मार्क्स। स्टूडेंट 44 मार्क्स आप इजिली ले सकते हैं, और मेहनत करना है तो 48, 46 भी आ सकते हैं आपको, कहीं पे भी टफ नहीं है। सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है इन पे, क्योंकि रिस्क यहीं पे आता है, ये आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि ये इजी होता है। वन वर्ड ऑफ इडियम फ्रेजेस तो आपको छोड़ना ही नहीं है। साइन और एंडो में अगर आपकी किस्मत बुरी है, बैड लक है उस दिन, तो ये हो सकता है कि आपको 4 में से 2 आए, ठीक है, 4 में से 3 आए, लेकिन मुझे नहीं लगता इन सब चीजों को आपको छोड़ने की जरूरत है। ये सब इजी लेवल के आते हैं स्टूडेंट्स, आप आराम से कर सकते हैं। यही स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए आप अपने अभी के मॉक टेस्ट में। अगर आप अभी के मॉक टेस्ट में ये टिप्स और स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं तो एग्जाम्स में भी आपको ऐसा ही फील आएगा कि आप घर बैठ के एग्जाम दे रहे हैं और पेपर ऐसा ही जाएगा आपको। तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए इस इंग्लिश सेक्शन को। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी हाउ टू स्कोर 45 प्लस इन क्वांट एंड जीए एंड रीजनिंग सेक्शन। स्टे ट्यून्ड टू आवर यूट्यूब चैनल। अच्छे से पढ़ाई कीजिए एंड ऑल द बेस्ट।